नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और एवरी वंस इन अ वीक हम लोग जो है थर्सडे के दिन परफॉर्मेंस डे के रूप में मनाते हैं, तो आज परफॉर्मेंस डे है जो हमारे सभी आर्टिस्ट तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन से जो जुड़े हुए हैं वो सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जिन लोगों को भी मना परफॉर्म करना है वो सारे लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे। हिमाचल से दिलबर जी भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, और दिल्ली से रवि कुमार जी पहुंच गए हैं, अन्नपूर्णा, हिमा, हेमलता जी और देवार्चित नागर, ये सारे लोग आ गए हैं। तो हम लोग एक एक करके थोड़ा सा परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं और फिर जैसे लोग आएंगे वैसे उनको सुनेंगे। तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में, कई बार हम लोग जो है परफॉर्मिंग करते वक्त एक आर्टिस्ट को लगता है ना कि कुछ थीम दिया जाए तो हर बार ऐसा होता है कि थीम क्या थीम क्या। तो हम लोग का सिंपल थीम रहेगा कि भाई आप जितना कोई भी हफ्ते में, पूरे हफ्ते में एक दो गाना आपको नया तैयार करना है, अच्छे वाले जो आपको सूटेबल है आपके वॉइस को और आपको अच्छा लगता है, उसको तैयार करके आपको प्रेजेंट करना है। तो वो ये सोचना नहीं है कि भाई थीम क्या मिलेगा, क्योंकि थीम देंगे तो फिर उस अनुसार आपको तैयारी करना पड़ेगा, टाइम जाएगा उसमें। तो उससे अच्छा है कि आप दो नए गाने तैयार करके रखना है हर हफ्ते, तो उस गानों को अच्छी तरह से तैयार करके फिर थर्सडे का दिन, आज के दिन इसी समय आपको प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। तो जितने भी तरंग से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग पास्ट में जुड़े हुए हैं, अभी जुड़े हुए हैं, सारे लोग आ सकते हैं और सभी लोगों को चांस मिलेगा, सभी लोगों को परफॉर्म करने का एक अवसर हम प्रदान कर रहे हैं। तो कई बार होता है कॉम्पिटिशन में हमने गा लिया, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद यही है कि आपको हर थर्सडे को आके यहाँ पर परफॉर्म करना। तो आइए सबसे पहले रवि कुमार जी से मैं जोड़ना चाहूंगा। रवि कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? माइक ऑन कीजिए आपका। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा जी जी जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जी। दिलबर जी भी आ गए हैं, स्वागत है आपका, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, प्रणाम सबको, बहुत बढ़िया। आप सुनाए। अच्छा, मोबाइल आपका हॉरिजेंटल रखेंगे ऑटो रोटेशन ऑन करके उसमें, तो फुल स्क्रीन आ जाएगा आपका। अच्छा हाँ, एक बार करिए, आड़ा मोबाइल को हॉरिजेंटल करिए ऑटो रोटेशन ऑन करके। चलिए, हेमलता जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। और देवाचित नागर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, कैसे हो? जी जी बढ़िया बढ़िया। और अन्नपूर्णा? जी सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए रवि कुमार सर, मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा जो है अपनी प्रस्तुति दे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी 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 जरूर। आइए आज का इस प्रोग्राम का शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं। जी छोटा सा सरस्वती वंदना। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रही है। भारत में वर दे
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सरस्वती वंदना सुनाने के लिए रवि कुमार जी, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं, आज हमारे साथ हिमाचल से एक मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं। दिलबर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर दिलबर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, म्यूजिक के लेक्चरर हैं, काफ़ी समय से म्यूजिक के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर दिलबर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन चंद तालियों के साथ, बहुत ही खुशी हो रहा है हमें हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सुनाइए आपका क्या सिचुएशन है? आजकल तो वैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे, बड़ा नजदीक पहुंच गया है, इवन हमारे गांव के आसपास बहुत सारे पेशेंट्स आ गए। अच्छा। थोड़ी गांव में थोड़ी अवेयरनेस लेवल उस तरीके की नहीं पहुंच पाई जिस तरीके की होनी चाहिए, पर अब थोड़ा सा डर भय के कारण थोड़ा सा अब व्यवस्था थोड़ी सुधर रही है। अच्छा जी, लेकिन धीरे में जो है न्यूज फैल जाएगा कि कैसे अलर्ट रहना है, सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स क्या है, वो अगर पता चले शायद फिर अच्छा हो जाएगा। अब शायद ज्यादा नजदीक आस पड़ोस में जब थोड़ी परिस्थितियां बिगड़ने लगी हैं और लाइट्स बहुत सारी इसमें जा रही है, तो अब थोड़ा लोगों में मजबूरी में ही सही पर अवेयरनेस अब थोड़ी सी मजबूरी में आ रही है। चलिए कोई भी कारण हो लेकिन अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। तो सभी हिमाचल वासियों को हमारी ओर से ढेर सारी मंगल कामनाएं करते हैं, और सभी अपना प्रोटेक्शन करें, अपना जो है ध्यान रखें, मास्क पहने, जब भी बाहर निकलना हो तो मास्क पहन के अवश्य जाएं, 2 गज की दूरी आप हमेशा मेंटेन करके रखें, और जब भी घर में आए तो हाथ पैर मुंह सब अपना जो है अच्छी तरह से धुलाई करके फिर अपने काम पे लग जाए। तो ये थोड़ा सा 2-3 चीजें हैं, बस इसी को फॉलो करने से हमें जो है काफी अच्छा राहत मिलता है। और अभी सवेरे के न्यूज में जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष 64 कैप्सूल्स निकाला है, वो भी आपको हेल्प करता है, तो उसको ले सकते हैं आप लोग। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ही सवेरे न्यूज में बताया गया, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो मेडिसिन है आयुष 64 शुरुआत से अगर ले लेते हैं तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, तो ये भी चीजें हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि दिलबर जी कुछ सुनाइए, और पहले तो मुझे अपने परिवार के बारे में बताइए आप अपने, और ये म्यूजिक फील्ड में कैसे जुड़ना हुआ वो भी बताइए, हमें अच्छा लगेगा। As expected, मैं दिन में सोच रहा था आपसे बात होगी क्या बात होगी। जीवन में देखें जो प्रभु ने डिसाइड किया है वही सब घटनाएं घटती हैं। जी, मैं एक वृतांत आपको सुनाता हूँ। जी जी, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 11वीं कक्षा में जब दाखिला लिया बड़े स्कूल में गए तो नॉन मेडिकल साइंस, एक भेड़ चाल थी
परिवार में बहुत सारे साइंस से जुड़े हुए थे, तो मन में ख्याल आया कि क्यों ना साइंस रखी जाए। ग्रामीण परिवेश था, मन में इच्छाएं थी और अवेयरनेस, वही बात आई कि अभी क्लियर नहीं था अपना एम, क्लियर नहीं था लाइफ में करना क्या है, इंस्टिंक्ट क्या बोलती है, अंदर क्या गुण है उसको बताने वाला कोई नहीं था, गाइड करने वाला। तो चले, हमने एडमिशन ले ली प्लस वन में और लगभग एक साल बीत गया, बड़ा अच्छा बीता। एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट हमारे पल्ले नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा और फिजिक्स और अपना इंग्लिश और मैथ ये अच्छे थे, पर केमिस्ट्री थोड़ा सा, अब अध्यापक अगर हम दोषारोपण करें तो शायद मैं भी अध्यापक हूँ तो ये उचित नहीं होगा, शायद हमारी कमियां थी तो वो नहीं चल पाया। तो अल्टीमेटली एट लास्ट एक जो कंक्लूडिंग पार्ट है वो फेल तो फेल हो गए। तो अब उस समय पे देखे विडंबना मन की के फेल कैसे होते हैं, क्या फील करना चाहिए, ये तक भी हमें महसूस नहीं होता था फेल तो हो गए और जीवन में परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि पिताजी 1980 के रिटायर थे आर्मी से, तो पेंशन भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि हर मतलब एक रोटी पानी कपड़ा मकान ये सारा कुछ था, पर जो अभाव था बाकी चीजों का वो शायद मन को कहीं कुछ उठता था। तो फेल हो गए, दुख नहीं हुआ, दिहाड़ी लगाने के लिए चले गए कि खाली टाइम था एक महीना तो दिहाड़ी लगाते थे दिहाड़ी लगाने के लिए चले गए। तो मेरे भाई हैं माउंट आबू में ही रहते हैं, आपके इससे जुड़े हैं सोहनलाल भाई, तो SLC लिया और दूसरे स्कूल में दाखिला करवा दिया और आर्ट्स विषय रखवा दिया। तो आर्ट्स में प्लस टू करने के बाद फिर कॉलेज में गए, तो कॉलेज में संगीत में रुचि बचपन से ही थी, जब मैं छोटा था लगभग 12-14 साल तक अपने पिताजी के साथ सोता था। अच्छा, तो सोने से पहले पिताजी एक भजन सुनते थे, एक हमारा लोकल डायलेक्ट में एक भजन है, शायद आपको भी समझ आ जाएगा, थोड़ा गुनगुना देता हूँ मैं आपके लिए। जरूर जरूर सुनाइए। एक हमारे बाबा बालकनाथ जी का यहाँ पे एक सिद्ध है, सिद्ध हमारे यहाँ कहा जाता है, तो कुल देवता कहें आप तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उनका एक भजन सुनते थे वो बचपन में, वो बोलते थे मुझे भगत बोलते थे कि भगत भजन सुनाओ। तो भजन था कुछ ऐसे के पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय बाबे करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय बाबे दी करदा जा, जय बाबे दी, जय बाबे दी, जय बाबे दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा। तो ये एक भजन था तो वो एक प्रेरणा थी बचपन से। तो ग्रेजुएशन की म्यूजिक के साथ, फिर एमए किया, एमफिल किया, फिर बीएड किया और गुरुओं का आशीर्वाद रहा तो 2013 में पीएचडी भी सबमिट हुआ, 2010 में मैं इसमें सरकारी सेवा में भी आ गया, कमीशन हुआ 2010 में। तो उसमें अब किस्मत से रोजी रोटी भी चल पड़ी और भगवान की दया से बस उस रोजी रोटी को थोड़ा सा जस्टिफाई करने का प्रयास अपने कर्म क्षेत्र में हम जरूर करते हैं, बच्चों के साथ हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, हमारी तरफ से कोई मार्गदर्शन में, कोई विषय की इन्फॉर्मेशन में, वो सारा प्रयास रहता है। बाकी ये कुल मिला के अपना जीवन का छोटा सा एक संक्षेप में। जी जी जी, दिलबर जी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच। आइए आपके स्वागत के लिए एक छोटा जो है बच्चे का डांस हमने दिल्ली से उन्होंने भेजा है, तन्वी का, और मिताली के एक डांस एकेडमी उन्होंने चलाई है और उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने भेजा है, तो उसको देख लेते हैं।
अनवी स्वागत है आपका. थैंक यू तन्वी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. आइए आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग तन्वी के डांस के बाद दिलबर सर को सुनते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्या परफॉर्मेंस सुनेंगे. ठीक है दिलबर जी, आप एक प्रेजेंटेशन दे अच्छा वाला, जो आपका पसंदीदा गाना है हमें सुनाइए. जी मैं खुद के गीत लिखता हूँ. क्या बात, लिखना मेरा स्कूल टाइम से रहा है. तो आजकल लगभग मेरे पास, अब मैंने दोबारा से रिवाइंड में अपने काम को कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले जो काम लिखा था कुछ वो पता नहीं कहाँ रद्दी में चला गया. तब मैं थोड़ा सा आजकल के परिदृश्य को देखते हुए अपने अनुभव जो जीवन में हो रहे हैं उसको सोच के मैं लिखता रहता हूँ. शायद आपको अच्छा लगे मेरा खुद लिखा हुआ है. जी 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 जरूर सुनाइए. भीतर भीतर घट रहा कुछ, भीतर भीतर घट रहा कुछ, बाहर का सब शांत है, अंतर घट भी छलक रहा, अब धुल रहा जो अशांत है. भीतर भीतर घट रहा कुछ, परम आनंद की अनुभूति छेदित करे तरकश में वो बाण है, मन धनुष सा तन रहा अब अनंत में प्रस्थान है. भीतर भीतर घट रहा कुछ, भेद भी भेद दिया हो जिसने, धरा रहा अभिमान है, भेद भी भेद दिया हो जिसने, धरा रहा अभिमान है, बामन सा अब तरण घटित, अब
बामन सा अब तरण घटित, अब अनंत का सा भान है। भीतर भीतर घट रहा कुछ, काल चक्र गतिहीन लग रहा। मोक्ष सा वो ज्ञान है, काल चक्र गतिहीन लग रहा। मोक्ष सा वो ज्ञान है, विरक्त हृदय व्यथा रहित मन, बुद्ध साब ध्यान है। भीतर भीतर घट रहा कुछ, धरा रहा इस धरा पे सब कुछ, धरा रहा धरा पे सब कुछ। व्यर्थ का अभिमान है, धरा रहा इस धरा पे सब कुछ। व्यर्थ का अभिमान है, घटना घटक बेघट हुए सब, घटना घट बेघट हुए सब। अनंत में अब प्राण है, भीतर भीतर घट रहा कुछ। और ये अंतिम की पंक्तियां हैं, इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपकी बड़ी पुरानी यादें ताजा होंगी। रंग मंच अभिनय समापन, पात्र रहित गोदान है। रंग मंच अभिनय समापन, पात्र रहित गोदान है। बंधन रहित खग सा विचरण, अब सीमा रहित उड़ान है। भीतर भीतर घट रहा कुछ, भीतर भीतर घट रहा कुछ। धन्यवाद। थैंक यू दिलवर कुमार जी, बहुत ही प्यारा सा गीत, आपका खुद का कंपोजिशन सुना है और वो भी लाजवाब था। और राम प्रकाश वर्मा जी ने भी लिखा है आपके लिए, बहुत खूब दिलवर जी, बहुत प्यारा शब्दों का चयन आपने किया है और मीठी है। हितेश नागर जी ने वेरी इनसाइट डॉक्टर साहब ऐसे लिख के भेजा है, अंतरात्मा की आवाज थी वो आपने बताया, थैंक यू सो मच। आइए, सबको पसंद आ रहा है आपकी आवाज और आपका गाना, इसके साथ हम लोग भी सुनेंगे देवार्चित नागर, शुरू हो जाइए। यस सर, यस सर। थोड़ी दे दे मुझे तेरे पास, खामोशियां तेरी सुनो और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी देखे मैं तुझे, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। लाजो तू मुझे देखूं मैं, कि तुझे रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूं मैं। थोड़ी जगह दे मुझे तेरे पास, रह जाऊं मैं। हूँ बेसहारा तेरे बिना मैं, तू जो ना हो तो कभी नहीं। देखूं तुझे यार आज तो निकला मैं, तुझ पे आता
से जुदा होके तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं, मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे रहूं होके तेरा सदा बस इतना चाहता हूँ मैं, थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। थैंक यू। वाह बहुत बहुत बढ़िया। चलिए बड़े को बड़े छोटे सुभान अल्लाह हो गए भाई। जी 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 आगे बढ़ते हैं, अभी अन्नपूर्णा को सुनते हैं। देवरचित बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, वेरी नाइस सिंगिंग देवरचित। नितेश जी ने भी भेजा है आपके लिए मैसेज, और राम प्रकाश जी ने भी आपके लिए मैसेज किया है, बहुत प्यारी आवाज है करके। अन्नपूर्णा आर यू देयर? कल्याण मोहन नमस्कार, स्वागत जी। अन्नपूर्णा सुनाइए। जी सर, सभी को नमस्ते, मेरा नाम अन्नपूर्णा है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं आज आप सभी को एक भजन सुनाने जा रही हूँ। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदने को पाल, छोटा सा मेरो मदने को पाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदने को पाल, छोटा सो मेरो मदने को पाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदने को पाल, बीच में मेरो मदने को पाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदने गोपाल, छोटा सो मेरो मदने गोपाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदने गोपाल, श्याम वरण मेरो मदने गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदने गोपाल, छोटा सो मेरो मदने गोपाल, घास खाई गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाई गैया दूध पिए ग्वाल, मक्खन खावे मेरे मदने गोपाल, मक्खन खावे मेरे मदने गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदने गोपाल, छोटा सो मेरो मदने गोपाल, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदने गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदने गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदने गोपाल, छोटा सो मेरो मदने गोपाल, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग,
रस रचावे मेरो मदन गोपाल, रस रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। धन्यवाद सर। थैंक यू सो, बहुत ही अच्छा गीत आपने गुनगुनाया अन्नपूर्णा। राम प्रकाश वर्मा जी ने अन्नपूर्णा लिख के भेजा है और रितिका पीटर ने भी नाइस लिख के भेजा है। चलिए, आप सभी ने याद किया है बड़े प्यार से और सुंदर प्रस्तुति अन्नपूर्णा हितेश नागर जी ने भी लिख के भेजा है। आइए, और अल्फा जी ने लिख के भेजा है, वेलडन देवर जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी है। और डॉक्टर दिलबर जी, please two lines of any ghazal if you can, you have amazing voice, regard। Alpa ji ne aapke liye message kiya hai ki aap agar do line kisi ghazal ko sunana chahe to acha hai। Acha, aap taiyar kar lijiye Dilbar ji, uske baad abhi hum log chahenge ki Hemlata ji prastut karegi ek geet, uske baad fir aap gungunaiye, uske baad fir hamare Kalyan Mohan ji bhi muskura rahe hain, unko bhi sunenge aur piche दूसरे और भी हमारे लोग आएंगे, जुड़ेंगे। रश्मि जी भी तैयारी कर रही है। जी हेमलता जी। जी हाँ, मैं हेमलता लालचंदानी नागपुर से हूँ और मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ सर। ये नास्तिक फिल्म का भजन है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बहुत बढ़िया, सुनाइए। अमृत और जहर दोनों है, सागर में एक सा, मंथन का अधिकार है सबको, फल प्रभु तेरे हा, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार दे या आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की ना, ले चल जिंदगी की ना। चाहे हमें लगा दे पाँव, डुबा दे चाहे हमें मजदार, जो भी देना चाहे
दे दे कर तार दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे कर तार दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। थैंक यू सर। हेमलता जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रस्तुति। और राम प्रकाश वर्मा जी ने आपके लिए लिखा है, बहुत सुंदर। हितेश नागर जी ने भी लिखा है, वेरी नाइस सॉन्ग सिलेक्शन एंड परफेक्ट परफॉर्मेंस लता जी। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डॉक्टर दिलबर जी से दो लाइन जरूर, उनका फरमाइश आया है तो सुनाए, इसके बाद कल्याण जी आएंगे। कल्याण जी आप आगे आ जाइए, कल्याण आपका चेहरा दिख रहा है, और आगे आ जाइए, मोबाइल कर लीजिए आप, और नजदीक कर लीजिए चलेगा। हाँ जी सुनाइए जी। एक गजल है, मैंने लिखी है लगभग एक साल पहले लिखी थी। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ दो लाइन। हाँ जी हाँ जी। ये कौन सी हवा चली, क्या बात है, खामोश जिंदगी, ये कौन सी हवा चली, लहरा रही एक वही थी बंद जिंदगी में, लहरा रही है एक वही बंद जिंदगी में, ये कौन सी हवा चली खामोश जिंदगी, नादा मेरे इस दिल पे जरा एहसान तुम करो, नादा मेरे इस दिल पे जरा एहसान तुम करो, यादों से करो अपने आजाद जिंदगी में, ये कौन सी हवा चली खामोश जिंदगी, खामोश जिंदगी, खामोश जिंदगी। बहुत बहुत ही प्यारा सा गजल आपने गुनगुनाया, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ पापा जी को भी अच्छा लग रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही प्यारा सा गजल आपने सुनाया सर। अब कल्याण मोहन जी को सुनते हैं, उसके बाद रवि जी, भारती जी आ गए, भारती जी को भी सुनते हैं। कल्याण मोहन सुनाइए, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप कैसे हैं? अच्छे हैं, आपको देख के और अच्छे हो गए। श्रोतागण को और सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। कंपटीशन के बाद आज हम मिल रहे हैं, ये एकदम अनऑफिशियल है, तो आज बिना डर के गा सकते हैं। सही बात है। तो मैं दोस्ती की फिल्म का गाना गाऊंगा सर, मोमबत्ती ने गाया था, हितेश नागर जी ने, दिलबर जी आपके लिए लिखा है, बहुत बढ़िया जी। लेकिन दिलबर जी ने एक ही गजल गाया है, उन्होंने तो दो की फरमाइश की थी। अच्छा। दो लाइन की फरमाइश थी, मुझे पता है। हाँ जी। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरा में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है,
तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह खड़ा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या खड़ा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या जुदा तो होते हैं वो होत जिनकी चाल में है मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह छुपा हुआ समझी मैं है तू कहीं ये दो छुपा हुआ समझी मैं है तू कहीं ये दो मेरी में नहीं है तो मेरी याद में है मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह बहुत बढ़िया कल्याण मोहन बहुत ही प्यारा सा जो है आपने गीत सुनाया और आपके लिए खास मैसेजेस भी आए हैं और राम प्रकाश वर्मा जी ने भी याद किया है सर हेलो आवाज आ रही है मेरी आप सबको हाँ, आ रही है अच्छा मुझे लग रहा है शायद रमेश जी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है वो तो गायब हो गए हैं क्या करें जब तक रमेश जी आते हैं कुछ शुरुआत करते हैं जब तक बिल्कुल जी बिल्कुल सुनाए कुछ सुनाए ठीक है ये एक शिव भजन से थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ सारे का पद शिव समान कोई दाता नहीं विपत्ति विदारने
धार लजिया मोरी राखियो बोले न भोले नीके शिव नंदी के कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी हम बार बार आयो शरण तिहारी आयो शरण तिहारी हर हर कैलाश के निवासी हम बार बार आयो शरण तिहारी हर हर कैलाश के भक्तों को कभी शिव जी तुमने निराश ना किया आगा दिने को वरदान दे दिया मांगा दिने को वरदान दे दिया भला है तेरा दाएगा भला है तेरा दाएगा भला कैलाश के निवास नमो बार बार आयो शरण तिहारी आयो शरण तिहारी हर हर कैलाश के निवास कैलाश के निवास बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा, किसी कारण बस अभी भी रमेश भाई हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं प्रोग्राम को जारी रखूंगा और रश्मि जी को बोलूंगा कि आप अपना प्रोग्राम आप सुनाइए जो भी गीत तैयार करके आए। जी सर, जी जी सर। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? जी 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 आ रही है। जी सर, मैं लता जी का गाया हुआ एक बहुत ही मेलोडी सॉन्ग सुनाना चाहूंगी, लग जा गले से। जी जी जरूर। लग जा गले की फेरी हसी रात हो न हो, लग जा गले की फेरी हसी रात हो न हो, शायद तेरे से जन्म में मुलाकात हो न हो,
लग जागले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जागले से सॉरी सर, मेरा बेबी आ गया रोने लगा इसलिए आगे नहीं सुना पाई। कोई बात कोई कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुनाया आपने, बहुत अच्छा लगा सुनने को। चलिए, बच्चे का भी गाने का मन कर रहा होगा शायद, इसीलिए आ गया। हाँ सर, वो छोटा है ना, गेट बंद करके बार बार नहीं कर सकते, ऐसे वो रोने लग जाता है। ठीक, कोई बात, बाय। सही है, चलिए ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। और मुझे इनका नाम पता नहीं है, क्या नाम है इनका? हाँ, जो बहन है जिन्होंने नहीं गाया अभी, नाम लिखा नहीं, इनका नाम नहीं आ रहा है, आप बोल दो। गाएंगे सर, नीला जी। जी 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 जी, आपसे ही कह रहा था। आप अपना नाम बताइए प्लीज। जी सर, मेरा नाम भारती है। हाँ जी भारती, और मैं गुजरात सूरत से हूँ। हाँ जी 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 जी, तो आज जो भी आप तैयार करके आए आप सुनाइए। जी जी जी, आ रही है। म्यूजिक के साथ गा सकती हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसा तैयार किया वैसा गाइए। जी जी जी, सर म्यूजिक की आवाज आ रही है सही? बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम जान ले लो, कसम जान ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, होती है कैसी सनम बेकरारी, मिलेंगे जो तुमको तो, मिलेंगे जो तुमको तो, बताएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हमारी गज़ल
सस्यपुर तुम्हारा हमारी गजल है तस्यपुर तुम्हारा तुम्हारे बिना अब न जीना गवारा तुम्हें यही चाहेंगे तुम्हें यही चाहेंगे जब तक है दम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम और यही तो ज्यादा हो जाएगा बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारती जी बहुत अच्छा गाना गाया आपने थैंक यू सर थैंक यू मुझे तो ज्यादा हो जाता सर नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है ठीक है मुझे तो लग रहा है शायद रमेश जी अब जुड़ नहीं पाएंगे आज के प्रोग्राम में क्योंकि नेटवर्क इश्यू है उनका तो मैं लास्ट दिलवर जी से बोलूंगा कि कुछ जाते जाते आप सुनाते जाइए दो लाइन अच्छा जी बहुत जाने से पहले और गाने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुना मैं आजकल काफी कुछ 10-12 साल से मैं अपनी ही कंपोजिशन गाना प्रेफर करता हूँ एक और कंपोजिशन आपको सुनाता हूँ सच बोलता हूँ दीवाना हूँ साहब सच बोलता हूँ कहते हैं वो फिजा में मैं जहर घोलता हूँ दीवाना हूँ साहब बस सच बोलता हूँ धन्यवाद बहुत अच्छा दिलवर जी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के आपके जो शब्द हैं आपके जो कंपोजिशन है बहुत ही अच्छा है मैं गायकी तो करता हूँ पर मैं लिखता नहीं हूँ लिखता कोई और है मेरे लिए या मैं किसी का लिखा हुआ गाता हूँ कंपोजिशन कभी कभी मैं करता हूँ किसी किसी गाने को तो समय और इजाजत तो देता नहीं है इसलिए आज इस प्रोग्राम को हम यहीं पे खत्म करेंगे जाते जाते दो लाइन गुनगुनाता हूं हम सांस ले रहे जान की बदौलत हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत और जान जिस्म में है और जान जिस्म में है भगवान की बदौलत और जान जिस्म में है भगवान की बदौलत हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत और जान जिसमें है जिस्म में है भगवान की बदौलत जान जिसमें है भगवान की बदौलत कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है कुछ पुण्य हो रहा है जो
सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है तो सूरज निकल रहा है। हर तीर्थ में है सदियों से, हर तीर्थ में है सदियों से इंसान की बदौलत, हर तीर्थ में है सदियों से इंसान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस दान की बदौलत। समय और इजाजत नहीं देता है, यही खत्म करते हैं। हमारे रमेश भाई जी आ गए हैं, आपका स्वागत है। धन्यवाद रवि जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया और बहुत अच्छा लग रहा था, बड़े दिल से आपने इसको प्रेजेंट किया है। अति सुंदर रवि जी, रणवीर सिंह धन्यवाद आपको याद किया है, राम प्रकाश जी ने भी याद किया है, रामा जी तिवारी ने भी याद किया है। चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर, और मुझे लगता है कि सभी का प्रेजेंटेशन हो गया। भारती जी आपने गाया? जी सर हो गया। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। रश्मि जी आपने सुनाया? सर मैं दो लाइनें सुनाई थी, फिर वो मेरा बेबी आ गया, रोने लगा तो डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा अच्छा, इजाजत होगी तो अभी सुना सकती हूं। कोई कोई नहीं, ठीक है, चलिए दो लाइन सुना दीजिए आप। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपकी नसीब में ये रात हो न हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर हसी रात हो न हो शायद तेरे से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से ये। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच रश्मि जी, बहुत ही प्यारी सी आवाज है आपकी और अच्छा गाया आपने। दिलबर कुमार जी, मैं चाहूंगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज कोट करें, आपको कैसा लगा इस प्लेटफॉर्म पे आके, और कल से म्यूजिक कंपटीशन भी शुरू होगा बच्चों का, तो उसमें भी आपको आना है। आप और रवि जी दोनों रहेंगे जजिंग के रूप में, और प्रफुल्ल जी भी रहेंगे, तीन लोग रहेंगे, जितने भी समय मिला वैसे आप आइए, तीन दिन रहेगा कंटिन्यू, उसके बाद आपका एक शो हम लोग करेंगे, और जो म्यूजिक से रिलेटेड एक वो भी लेक्चर रखेंगे, क्योंकि जो हमारे तरंग वाले हैं वो चाहेंगे कि थोड़ा सा आपका फायदा ले रहे। तो म्यूजिक में कैसे करियर करें इसका एक चैप्टर तो आपसे ले लेंगे मंडे या ट्यूजडे, उसके बाद एक स्पेशल जो कोई एक राग का प्रैक्टिस कराइए हमें सब बच्चों को मिलके, तो वो एक थोड़ा सा वर्कशॉप टाइप करेंगे। पिछली बार मैंने किसी एक को मध्य प्रदेश से बुलाया था, उन्होंने काफी अच्छा किया था, तो मुझे आपको देखकर भी लग रहा है कि आप भी वो कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर करेंगे हम लोग। अच्छा एक मैसेज दें फिर हम लोग पूरा करते हैं। नहीं तो बातें चलती रहेगी लंबा। चलिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा, सुना, सहन किया। बाकी देखे मैं संगीत से जुड़ा हूँ, संगीत संस्कार और संस्कृति ये आपस में इतने जबरदस्त तरीके से जुड़े हैं कि एक मैं छोटी सी बात जाते जाते कहूँ आपको कि बहुत साल पहले एक बात सुनी थी कि किसी देश में अगर आप जाएं और आप जानना चाहें कि उस देश की व्यवस्था कैसी है, मिजाज कैसा है,
तो किसी बड़े बुद्धिजीवी आदमी ने कहा कि सबसे पहले जाएं और वहां का संगीत सुने, वहां के संगीत में इस्तेमाल होने वाले साहित्य को सुने, वहीं से आप चित्र और चरित्र देश का आपको समझ आ जाएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग आज जुड़े हैं साथ में, कि हमारा संगीत ऐसा हो, बाकी तो चलिए भावना दिल में जैसी, शब्दों को भावनाओं के साथ आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि कैसे ना कैसे कि हाँ मैंने इस पर्पज से बोला या गाया, परंतु फिर भी जिस तरीके से आप सोचते हैं वो जरूरी नहीं है सारा समाज भी सोचे। तो जो सारा समाज सोचता है जिन को उसी वे में अगर सभ्यात्मक तरीके से सारी संस्कारित तरीके से अगर संगीत में साहित्य का इस्तेमाल हो, अब आप देखेंगे आज से 20 साल पहले हमारे देश की हालत क्या थी और आज देश की हालत अगर आपने देखनी है तो बॉलीवुड की फिल्में और बॉलीवुड के गाने आप सुन लें तो आप समझ जाएंगे कि देश जो है वो डावाडोल स्थिति में। बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं चाहूंगा कि अच्छा सुने, अच्छा सुनाए, अच्छा सोचे और अच्छा, मतलब विवेकानंद जी की एक बड़ी अच्छी बात है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं और एक दिन वैसे ही आप बन जाते हैं। कि थोड़ा सा मतलब संगीत के क्षेत्र में होने के कारण मैं ये इतना चाहूंगा कि संगीत के माध्यम से जो साहित्य का इस्तेमाल हो वो इतना मजबूती से हो कि हमारी हमारे बाद भी हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है एक अच्छी व्यवस्था में सांस ले सके, इतना ही। और जागरूक रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें, कोविड नियमों का पालन करें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन, और सब स्वस्थ रहें, सब दीर्घायु हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बातें आपने बताया, थैंक यू सो मच। और मुझे अच्छा लगा कि जिस देश में आप अगर वहाँ की जीवन शैली को अगर जानना चाहते हैं या वहाँ के लोगों के बारे में पता करना चाहते हैं तो वहाँ का संगीत सुनिए, ये बहुत ही सुंदर तरीका आपने बताया, थैंक यू सो मच। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में हमारे बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, देवरचित नागर, रश्मि देवांगना, हिमलता जी, भारती जी, रवि कुमार जी, दिलबर सर और कुछ लोग जुड़े हैं जैसे कल्याण मोहन थोड़ी देर के लिए आए और चले गए, लेकिन जितने भी लोग जुड़े हैं सभी ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। अगले गुरुवार को फिर मिलेंगे हम लोग, आप चाहे तो अपने दोस्तों को, अपने हमजींस जो संगीत में रुचि रखते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, उनको भी जोड़ सकते हैं, तो उनको भी शेयर कीजिए ताकि नए लोगों को भी जोड़े और अपना भी प्रेजेंटेशन, एक गीत या दो गीत आपको नए तैयार करने हैं गुरुवार तक, ठीक है। पुराने मत गाइए, जो आपने सुनाया वही चीजें रिपीट नहीं करें, आप ये ध्यान रखें जब भी आप गुरुवार को आए तो एक नया गीत जरूर आपके पास हो जो आपने तैयार किया हो तो अच्छा लगेगा हमें। पुराने गीत जो आपने गाए हैं ऑलरेडी उसको फिर से रिपीट ना करें अभी, ठीक है। ओके चलिए, आप सभी जी जी मेरा एक यूट्यूब चैनल है तेजस्वी म्यूजिक के नाम से, मेरी सारी कंपोजिशन जो भी मैं करता हूँ लगभग 90 के आसपास कंपोजिशन उसमें हैं और इतने से लगभग मेरे पास अभी थोड़े दिनों में पड़ी हैं, आएंगी ट्यूब पे और बाकी मैं दिख रहा हूँ, तो कृपया करके वो चैनल देखें, तेजस्वी म्यूजिक, वी फॉर विक्ट्री, तेजस्वी म्यूजिक, ये जरूर सर्च करें और सब्सक्राइब करें, तेजस तेजस फिर उसके बाद वी, फिर म्यूजिक पर आप जाइए तो दिलबर सर के सारे वीडियोस जो खुद के कंपोजिशन है वो आप देख पाएंगे। और अभी कल भी मिलेंगे हम लोग, उनसे जुड़ेंगे, काफी चीजें सीखेंगे उनसे और आपको भी सिखाएंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद से साधुवाद आपको। रवि जी भी है म्यूजिक के टीचर, उनसे भी हम लोग सीखेंगे, आपसे सीखेंगे, अच्छा लगेगा और एक महफिल बनेगा सीखने सिखाने का, नई चीजों को पाने का। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं आज के इस एपिसोड में, बस इतना ही, फिर मिलते हैं इस वाले के साथ, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।